जब भी मौसम चेंज होता है तो बारिश ना होने की वजह से जो ड्राई कोल्ड है या मतलब कि एक सूखी ठंड जो है उसकी वजह से बच्चे ज़्यादा बीमारी की चपेट में आ जाते हैं इधर जो वायरस चल रहा है लोग घबराने नहीं चाहिए क्योंकि ये वायरस जो है ज़्यादातर चाइना में है अभी इधर ऐसे कोई कोई डायग्नोज नहीं हुए पर फिर भी मैं इतना बोलूंगा कि अपने हर पेरेंट्स को ये बोलूंगा कि अपने बच्चों को जो है वो केयर करें और सबसे जरूरी उस वायरस को ऐसे जल्दी जल्दी एक हाश पाश या डरने की जरूरत नहीं है इसमें ये हो जाता है कि बच्चे को थोड़ा इन्फेक्शन हो जाता है फंगल इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स एयर सेक्स जो होते हैं उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वायरल इन्फेक्शन होता है या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से जो लंग्स हैं ज्यादातर बच्चों में और बूढ़ों में ज्यादा ये हो जाते हैं क्योंकि वो उनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक होता है और आजकल के बच्चे जो खान पीन की वजह से जो अपने उसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम वीक होता है और ये सर्दी जो जैसे ही पड़ती है तो वो जल्दी चपेट में आ जाते हैं और मेरी हर पेरेंट्स से यही गुजारिश रहेगी कि इन दिनों जैसे आप देख रहे हो कि बारिश नहीं हो रही और सूखी ठंड जो है वो रही है और दिन में निकलती है पर शाम को और सुबह जो है काफी सर्दी हो रही है तो बच्चे जो है इसको बड़े लाइटें लेते ले ले हैं पेरेंट्स इसको लाइटें ले लेते ले हैं और स्कूल वाले भी लाइटें ले लेते ले हैं इसमें यही मैं इतना बोलूंगा कि जितना भी हो सके गर्म पानी का इस्तेमाल करें जितना भी हो सके एक कोल्ड ड्रिंक जूस कुरकुरे चिप्स और जो आइसक्रीम वगैरह इसको बिल्कुल अवॉइड करें और फ्रूट वगैरह भी जितना हो सके अवॉइड करें क्योंकि माँ बाप को देने के खाना देने के चक्रों में जो है बच्चों को फ्रूट पकड़ा देते हैं और फ्रूट जो है ठंडा होता है और वो ठंड की वजह से बच्चे सर्दी जुकाम और ऐसे थोड़ा फीवर की चपेट में आ जाते हैं और ये वायरल इन्फेक्शन हो जाता है जो ये इन्फेक्शन फैला हुआ है ये अभी बाहर के देशों में है अभी हमारे इधर ऐसे कुछ केस नहीं है फिर भी इसको लाइटिन नहीं लेना चाहिए इसके लिए सबसे जरूरी चीज़ यही है कि अपने बच्चों को ठंड ठंड की वजह से से होने वाली जो ये इंफेक्शन है उनसे बचाएं और ज़्यादा जोर एक बार फिर मैं यही बोलूंगा वालों से और से कि जितना हो सके ये स्कूल की वैन्स के शीशे आप देख रहे हैं बच्चे बसेस के शीशे जो होते हैं वो खुले होते हैं और हवा आती है तेज से और वो बच्चों को वो जो है नुकसानदी होती है और जितना भी हो सके बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं कैप पहनाएं मास्क पहनाएं या जैकेट वगैरह पहनाएं और जो आ, आ, इन, अंदर इनर वगैरह है वो गर्म पहनाएं और स्कूल में जितना भी हो सके जो क्लासेस हैं उनको थोड़ा गर्म रखा जाए ये स्कूल वालों से रिक्वेस्ट रहेगी और जितना भी हो सके बच्चे अगर स्कूल में पानी पीते हैं तो गर्म पानी का वो जितना भी हो सके प्रयोग करें और इससे ये जो इन्फेक्शन है इससे सबसे ज़रूरी जो मेन चीज़ें यही है कि हम ज़्यादा दवाइयों की ओर ज़्यादा उस घबराहट की ओर ना जाए पहले जो ये माइनर से जो हमने स्टेप है ये लेने हैं एक वन अब आपके व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप करिए हाई नाइन सेवन टू एट टू फाइव थ्री सिक्स सिक्स थ्री पर